गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 28 नवंबर 2018 और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर का। आज के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर किसी को भी इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो अपने व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि इस वीडियो की PDF फाइल व्हाट्सएप के थ्रू आप तक पहुंच सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियो मिल सके, आप तक पहुंच सके। अगर किसी को भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, रेलवेज, SSC, JEE आदि एग्ज़ाम के लिए, तो उनके लिए भी वीडियो अपलोड किया है। तो अगर उनको भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन से तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियो मॉर्निंग में आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में हौसला 2018 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है हौसला 2018 का उद्घाटन। और इसका आयोजन किसने किया है? तो इसका आयोजन किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसका आयोजन कराया है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसका आयोजन कराया है। तो वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो ये है मेनका गांधी। अभी हौसला 2018 क्या है? तो इसमें ये हौसला 2018 के एक प्रतियोगिता है, इसमें भाषण, लेखन, चित्रकला और शतरंज आदि प्रतियोगिताएं हैं इनमें। तो हौसला 2018 एक प्रतियोगिता है और इसका आयोजन कराया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। और इसकी थीम इम्पोर्टेंट है, इसकी थीम है चाइल्ड सेफ्टी। क्या है इसकी थीम? चाइल्ड सेफ्टी। और इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मॉर्निंग में रोजाना वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर वीडियो को लगातार देखेंगे इनसे बाहर कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आएगा करंट अफेयर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया है 27 नवंबर को। तो हाल ही में भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया है 27 नवंबर को। तो 27 नवंबर को मनाया गया है भारतीय अंगदान दिवस। और विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। 27 नवंबर को भारतीय अंगदान दिवस और विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है भारतीय अंगदान दिवस हर साल 27 नवंबर को। और इसे मनाता कौन है? तो इसे मनाता है NOTTO। कौन मनाता है इसे? NOTTO मनाता है इसे। अब ये क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू प्लांट्स ट्रांसप्लांट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मनाता है इसे। और बात करें अंगदान के बारे में बात आई है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है वर्तमान में? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे। कौन है? अश्विनी कुमार चौबे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री। और इसमें इस भारतीय अंगदान दिवस पर अवार्ड भी दिए गए हैं। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड मिला है अंगदान के बारे में तमिलनाडु स्टेट को। तमिलनाडु को मिला है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अंगदान के बारे में, तो तमिलनाडु को मिला है ये अवार्ड। और सर्वश्रेष्ठ जागरूकता फैलाने का अवार्ड मिला है महाराष्ट्र को। और ये दोनों अवार्ड दिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने दिए ये दोनों अवार्ड। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड मिला है तमिलनाडु को और सर्वश्रेष्ठ जागरूकता फैलाने का अवार्ड मिला है महाराष्ट्र को। तो 27 नवंबर को मनाए गए भारतीय अंगदान दिवस। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सुनील अरोड़ा को। तो
इमेज में दिख रहे हैं यही है सुनील अरोड़ा, और इन्हें कोई नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये 2 दिसंबर को शपथ लेंगे, 2 दिसंबर को शपथ लेंगे ये। और इनसे पहले थे ओम प्रकाश रावत, OP रावत अब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे भारत के, और अब नियुक्त किया गया है सुनील अरोड़ा को। तो सुनील अरोड़ा को नियुक्त किया गया है मुख्य चुनाव मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में। तो OP रावत को नियुक्त किया गया है मुख्य चुनाव मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में। और यह सुनील अरोड़ा 1980 बैच के IAS अधिकारी हैं राजस्थान कैडर के। तो सुनील अरोड़ा 1980 बैच के IAS अधिकारी हैं, तो इसको नियुक्त किया गया है सुनील अरोड़ा को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब तक थे ओम प्रकाश रावत, लेकिन अब बने सुनील अरोड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत और किस देश ने DTAA में संशोधित करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए चाइना ने। तो हाल ही में भारत और चाइना ने DTAA में संशोधन करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये DTAA है क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है DTAA की, तो इसकी फुल फॉर्म है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। क्या है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, तो इसकी फुल फॉर्म है। और भारत और चीन ने आय पर करों के संबंध में दोहरे समाधान और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए DTAA में संशोधित करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आय पर करों के संबंध में दोहरे समाधान और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए ये हस्ताक्षर किए हैं। और चाइना के बारे में बहुत बार बताएं, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनमिनबी, और चाइना के वर्तमान प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में NDMA के 14वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है किरेन रिजिजू ने। किसने किया है? किरेन रिजिजू ने। और ये कौन है? वर्तमान में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है किरेन रिजिजू ने, और इन्होंने NDMA के 14वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया है। ये दिख रहे हैं यही है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है किरेन रिजिजू, और इन्होंने इसका उद्घाटन किया है 14वें स्थापना दिवस का NDMA के। तो अभी यहाँ एक टर्म आई है NDMA, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल डाइजेस्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्या है इसकी फुल फॉर्म? नेशनल डाइजेस्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और इसकी स्थापना हुई थी 2005 में, और इसी के ही 14वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया है। और इसकी थीम है, इस बार के थीम है इसकी अर्ली वार्निंग फॉर डाइजेस्टर। इसकी थीम है अर्ली वार्निंग फॉर डाइजेस्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो ये आए हैं रोमानिया के। तो हाल ही में रोमानिया के विदेश मंत्री टी.ओडोर मेलसेकनो, ये इमेज में दिख रहे हैं यही है टी.ओडोर मेलसेकनो, ये रोमानिया के विदेश मंत्री हैं, और ये भारत की यात्रा पर आए हैं। और अभी कल ही मालदीव के विदेश मंत्री भी भारत की यात्रा पर आए थे, अभी आए रोमानिया के। जो इमेज में दिख रही है यही हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हैं, और ये रोमानिया के विदेश मंत्री टी.ओडोर मेलसेकनो, और यही भारत की यात्रा पर आए हैं, अभी आए हैं रोमानिया के। तो देख लेते हैं मैप में रोमानिया, ये रहा मैप में रोमानिया। रोमानिया की कैपिटल है बुचारेस्ट, रोमानिया की करेंसी है रोमानियाई लियू, और रोमानिया के प्रेसिडेंट है वर्तमान में क्लाउस लोहानिस। तो क्लाउस लोहानिस है रोमानिया के वर्तमान प्रेसिडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में लोक साइकिल शेयरिंग परियोजना किस राज्य ने शुरू किए हैं? तो ये शुरू किए हैं उड़ीसा ने। तो हाल ही में लोक साइकिल शेयरिंग परियोजना की है उड़ीसा ने, और इसका नाम रखा गया है मोसाइकल यानी मोबाइल साइकिल। और अभी कुछ दिनों पहले ही बताया था उड़ीसा ने मो बस सेवा, मोबाइल बस सेवा शुरू की थी, मो बस सेवा तो उड़ीसा ने की थी। इसी तरह मोसाइकिल मोबाइल साइकिल रखा गया है इसका नाम लोक साइकिल शेयरिंग परियोजना का। अब इस परियोजना में क्या होगा
इस परियोजना में जैसे आप टैक्सी रेंट पे लेते हो उसी प्रकार साइकिल भी रेंट पे ले सकते हैं। और इसको इसमें एक डिवाइस लगी होगी इसमें, तो एक ऐप है इसकी सहायता से आप साइकिल को बुक कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह। तो ये उड़ीसा में की गई है, इसमें आप एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते हैं साइकिल के थ्रू, और इस जगह जगह स्टैंड स्टेशन बनाए गए हैं साइकिल के लिए, तो वहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। तो ये योजना लोक साइकिल शेयरिंग परियोजना शुरू की है उड़ीसा ने। अब ये किए उड़ीसा ने, तो मैप में देख लेते हैं उड़ीसा को। ये रहा मैप में उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और उड़ीसा के वर्तमान गवर्नर हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा में भारत के सर्वाधिक खारे पानी वाले झील हैं, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, तो ये भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में IFFI में किसे विशेष पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा सलीम खान को। तो हाल ही में IFFI में विशेष पुरस्कार दिया जाएगा सलीम खान को। ये IFFI का क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, अभी आयोजित किया जा रहा है गोवा में, तो इसी में ही विशेष पुरस्कार दिया जाएगा सलीम खान को। सलीम खान ने अपनी पूरी लाइफ में जो मूवी के लिए काम किया है उसकी वजह से IFFI में इन्हें विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। अब इस पुरस्कार में क्या मिलेगा इनको? तो इनको मिलेगा 10 लाख रुपए और एक शील्ड और एक सर्टिफिकेट मिलेगा इनको, सलीम खान को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य में मैत्री दिवस मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में मैत्री दिवस मनाया जाएगा। अब अरुणाचल प्रदेश में के नागरिक और सेना के बीच जो मैत्रीपूर्ण संबंध है, अरुणाचल प्रदेश के नागरिक और सेना के बीच में जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उनका जश्न मनाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, और इसका 10वां संस्करण मनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो ये मनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो मैप में देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश को। ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, और गवर्नर हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में फिल्म निर्माता ब्रनाड्रो बर्टोलिची का निधन हुआ है, वह किस देश के? तो ये हैं इटली के। तो हाल ही में इनका 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गए हैं ब्रनाड्रो बर्टोलुची, जो इमेज में दिख रहे हैं बर्नार्डो बर्टोलुची का निधन हो गया है। ये थे इटली के थे, तो इनका 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, और ये ऑस्कर प्राप्त करता है, इनको ऑस्कर मिला हुआ है बर्नार्डो बर्टोलुची को। और इनकी एक मूवी थी द लास्ट इम्प्रेरर, इन्हीं के लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला है लास्ट इम्प्रेरर। तो यही है बर्नार्डो बर्टोलुची, और इन्हें कोई ऑस्कर मिला है, इनकी एक मूवी थी द लास्ट इम्प्रेरर, और इन्हीं के लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला है, और इनका है 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गए हैं, और ये इटली के फिल्म निर्माता हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में जूनियर स्पोर्ट पिस्टल में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक, जो इमेज में दिख रहे हैं यही है मनु भाकर, और इन्होंने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में जूनियर स्पोर्ट्स पिस्टल में मनु भाकर ने स्वर्ण पदक जीता है, और ये हरियाणा की है मनु भाकर, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस कंपनी के हेड नीरज अरोड़ा ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये है व्हाट्सअप के हेड। तो हाल ही में व्हाट्सअप के हेड नीरज अरोड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। अभी हाल ही में व्हाट्सअप इंडिया ने अपना नाम नया प्रमुख में नियुक्त किया था, अभी कल परसों में बताया था, तो अभिजीत बोस को व्हाट्सएप इंडिया ने अपना नया प्रमुख नियुक्त किया गया था, अभिजीत बोस को। और अब बिजनेस हेड है नीरज अरोड़ा व्हाट्सएप कंपनी के, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब बात आई है व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी 2009 में, और 2014 में व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया था। तो नीरज चोपड़ा व्हाट्सएप कंपनी के हेड थे, बिजनेस हेड, और इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए ADB के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो ये क्या है? बिहार के लिए।
तो हाल ही में केंद्र सरकार ने एडीबी बैंक के साथ 200 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है बीआर के लिए। अब ये क्या है, बीआर के लिए। तो अब बीआर में जो स्टेट हाईवे हैं उनको अपग्रेड करने के लिए, उनको विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने एडीबी के साथ ये 200 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। तो बिहार में जो स्टेट हाईवे हैं उनको अपग्रेड या विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने एडीबी के साथ 200 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। अब ये किया है बिहार के लिए, तो मैप में देख लेते हैं बिहार को। ये रहा बिहार, बिहार की कैपिटल है पटना, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के गवर्नर है लालजी टंडन। और एक और टर्म आई है इसमें एडीबी, तो इसकी फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना हुई थी इसकी 1966 में और हेडक्वार्टर है एडीबी का मनीला फिलीपींस में, और अध्यक्ष है ताके हेको नकाओ। तो एडीबी बैंक के अध्यक्ष हैं ताके हेको नकाओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं कल के वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। हाल ही में कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई बनाए, तो इसका करेक्ट आंसर था J&K बैंक। ये जम्मू कश्मीर का एक बैंक है, तो ये बना था PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं आज की वीडियो के क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय संविधान दिवस कब मनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। और अगर किसी को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो उसके वीडियो भी अपलोड किया है मैंने, तो वो भी पढ़ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाले सारे वीडियो मिल सकें। अगर किसी को भी वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।